To get free video lectures for ECE Gate 2018, subscribe Engineer Tree and press bell icon for more information and update. Hello everyone and welcome to Engineer Tree. मैं हूं सत्यप्रजेतवारी। तो इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखे थे। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ वेरी गुड कंडक्टर। तो इसके पहले हमने देखा था, सबसे पहले जब आपकी ईएम वेव एयर में प्रोपोगेट हो रही थी तब उसके पैरामीटर में क्या क्या वेरिएशन हो रहे थे। सेकंड हमने देखा था जब आइडियल डाइलेक्ट्रिक में प्रोपोगेट हो रही थी तब उसके पैरामीटर में क्या वेरिएशन थे। अब हम देखते हैं जब किसी गुड कंडक्टर में आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट होगी तब उसके पैरामीटर में क्या क्या चेंज होंगे। तो ये देखने के पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं। एक टर्म होता है यहाँ पर, उसको बोलते हैं लॉस टेंजेंट या डेसिपेशन फैक्टर। डेसिपेशन फैक्टर, तो लॉस टेंजेंट या डेसिपेशन फैक्टर आपकी जो टर्म होती है वो होती है सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन। सिग्मा यहाँ पर आपकी कंडक्टिविटी होती है, ओमेगा होती है फ्रिक्वेंसी रेडियन पर सेकंड में, और एप्सिलॉन होता है आपकी परमिटिविटी। तो ये टर्म आपकी होती है लॉस टेंजेंट, इसको हम बोलते हैं, या डेसिपेशन फैक्टर बोलते हैं। ये टर्म आपकी डिसाइड करती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम में या किसी गुड कंडक्टर में कैसे प्रोपोगेट होगी। तो जैसा कि हमने गामा देखा था, गामा आप जानते हैं अल्फा प्लस जे बीटा होता है। यहाँ पर एक अल्फा और बीटा का फॉर्मूला होता है आपका लॉस टेंजेंट या डेसिपेशन फैक्टर के फॉर्म में। तो अल्फा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन डिवाइड बाई टू कोष्टक स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन, जो कि आपकी लॉस टेंजेंट फैक्टर है, का होल स्क्वायर माइनस वन। ये होता है आपका अल्फा। अल्फा आपका क्या था? अटेन्यूएशन कांस्टेंट, अटेन्यूएशन कांस्टेंट। और जो फेज कांस्टेंट है बीटा, उसका फॉर्मूला होता है आपका लॉस टेंजेंट के टर्म में ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन डिवाइड बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अटेन्यूएशन कांस्टेंट और फेज कांस्टेंट आपका लॉस टेंजेंट के फॉर्म में निकल के आ गया। तो अल्फा और बीटा दोनों डिपेंड करते हैं आपके लॉस टेंजेंट फैक्टर पर, सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन। तो सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन यहाँ पर हम देखते हैं क्या होता है। अगर हम बात करें किसी गुड कंडक्टर की, गुड कंडक्टर की अगर हम बात करते हैं तो गुड कंडक्टर में आप जानते हैं कि उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी अगर उसकी, तो सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन जो होगा वो आपका ग्रेटर 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 देन वन होगा, मतलब वन से बहुत ज़्यादा होगा अगर सिग्मा की वैल्यू आपकी ज़्यादा है। तो सिग्मा आपका ग्रेटर 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 देन हो जाएगा ओमेगा एप्सिलॉन। अगर हम किसी गुड कंडक्टर की बात करते हैं तो ये हो जाएगी आपकी कंडक्टिविटी। जब गुड कंडक्टर की बात हो रही है तो जो उसकी कंडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा होगी और जो लॉस टेंजेंट फैक्टर है वो आपका बहुत ज़्यादा होगा, और जो आपका लॉस टेंजेंट फैक्टर है वो आपका ग्रेटर ग्रेटर देन वन होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अब हम एटेन्यूएशन कांस्टेंट और फेज कांस्टेंट में अगर सिग्मा अपन ओमेगा एप्सिलॉन की वैल्यू पुट करेंगे तो सबसे पहले किसी अगर गुड कंडक्टर की बात करते हैं तो सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन आपका ग्रेटर ग्रेटर देन वन है। जब ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे तो ये वन आप नेगलेक्ट कर सकते हैं और ये वन भी आपका नेगलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपकी अल्फा की वैल्यू निकल के आएगी, अल्फा की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अल्फा की वैल्यू आपकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और अल्फा आपका क्या होता है? अटेन्यूएशन कांस्टेंट होता है, अटेन्यूएशन कांस्टेंट होता है। जब अल्फा की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई, यानी कि अटेन्यूएशन कांस्टेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया, तो आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो किसी गुड कंडक्टर में इजीली प्रोपोगेट नहीं होगी क्योंकि उसका अटेन्यूएशन कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो इससे कंक्लूजन आपका ये निकला कि अगर सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन, जो कि आपका लॉस टेंजेंट फैक्टर है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है तो आपकी अल्फा की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, और अल्फा की वैल्यू जब ज़्यादा होगी तो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी गुड कंडक्टर में इजीली प्रोपोगेट नहीं हो सकती है। तो ये हुआ आपका लॉस टेंजेंट फैक्टर। अब सिग्मा अपॉन जो ओमेगा एप्सिलॉन है, इसमें आप देख सकते हैं केवल सिग्मा जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपोगेशन को डिसाइड नहीं कर रहा है। यहाँ पर एक फैक्टर और है आपका ओमेगा एप्सिलॉन। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है और ये आपकी कंडक्टिविटी है, ये दोनों मिलके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपोगेशन को डिसाइड करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और हम देखते हैं, सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन आपका फॉर्मूला होता है JC/JD। यहाँ पर JC जो होता है वो होता है कंडक्शन करंट डेंसिटी और JD जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। तो ये लॉस्ट टेंजेंट का फॉर्मूला कंडक्शन करंट डेंसिटी और डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी के टर्म में, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है इसमें। अब ये तो हुई आपकी लॉस्ट टेंजेंट फैक्टर की बात। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, जब आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी गुड कंडक्टर में प्रोपोगेट होगी। तो इसके लिए आप जानते हैं गामा क्या होता है। गामा होता है आपका स्क्वायर रूट ऑफ J ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस J ओमेगा एप्सिलॉन। इसमें जब आप किसी गुड कंडक्टर की बात करते हैं तो जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर आप गामा लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ J ओमेगा म्यू और सिग्मा। ये टर्म आप नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि सिग्मा की वैल्यू >1 है। तो गामा की वैल्यू आ जाएगी आपकी, इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ Ω μ सिग्मा एंगल 90 डिग्री। यहाँ पर जे है उसको हमने एंगल के फॉर्म में लिख लिया। अब एंगल आपका स्क्वायर रूट में है तो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जब एंगल आपका टर्म स्क्वायर रूट के अंदर होता है, जब इसको हम बाहर निकालते हैं तो ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ Ω μ सिग्मा एंगल 45 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं cos 45 प्लस J sin 45। तो cos 45 प्लस J sin 45, तो cos 45 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/√2 और इसकी वैल्यू भी 1/√2 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आपका गामा निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ Ω μ सिग्मा डिवाइड बाई 2 प्लस J स्क्वायर रूट ऑफ Ω μ सिग्मा डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गई आपकी गामा की वैल्यू रियल और इमेजिनरी पार्ट में। तो ये हो जाएगा आपके अल्फा की वैल्यू और ये हो जाएगी आपकी बीटा की वैल्यू। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी आपकी इक्वल्स टू बीटा की वैल्यू इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ Ω μ सिग्मा डिवाइड बाई 2। तो ये आई आपकी अल्फा और बीटा की वैल्यू, मतलब अटेन्यूएशन कांस्टेंट और फेज कांस्टेंट की वैल्यू किसी गुड कंडक्टर के लिए। अब ये तो बात हुई आपकी प्रोपोगेशन कांस्टेंट की। अब हम बात करते हैं इंट्रिंसिक वेव इम्पिडेंस। तो ईटा आप जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ J ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा प्लस J ओमेगा एप्सिलॉन। गुड कंडक्टर के लिए आपकी जो कंडक्टिविटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, तो ये टर्म आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका J ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा। इस तरीके से इसको आप सॉल्व करेंगे तो इंट्रिंसिक वेव इम्पिडेंस आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ Ω μ डिवाइड बाई सिग्मा एंगल 90 डिग्री। इसको आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ Ω μ डिवाइड बाई सिग्मा एंगल आ जाएगा आपका बाहर 45। इसको आप फिर cos 45 और J sin 45 लिखेंगे तो जो इंट्रिंसिक वेव इम्पिडेंस होगा वो आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ Ω μ डिवाइड बाई सिग्मा प्लस J स्क्वायर रूट ऑफ Ω μ डिवाइड बाई सिग्मा। सॉरी, यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा क्योंकि cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और sin 45 की भी 1/√2। तो ईटा की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ Ω μ डिवाइड बाई 2 सिग्मा प्लस J स्क्वायर रूट ऑफ Ω μ डिवाइड बाई 2 सिग्मा। तो आपका इंट्रिंसिक वेव इम्पिडेंस और प्रोपोगेशन कांस्टेंट आ गया। तो यहाँ से आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो ईटा की वैल्यू आ रही है वो आपकी आ रही है रियल प्लस J इमेजनरी के फॉर्म में। तो जो ईटा होता है वो होता है आपका इम्पीडेंस, रियल प्लस इमेजनरी के फॉर्म में है, ये हो जाएगा आपका इम्पीडेंस। और यहाँ पर जो अल्फा की वैल्यू थी वो आ रही थी आपकी बीटा की वैल्यू के इक्वल। तो अटेन्यूएशन कॉन्स्टेंट आपका इक्वल हो जाएगा फेज कॉन्स्टेंट के। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू आपको याद रखनी है और इंट्रिंसिक वेव इम्पिडेंस की वैल्यू आपको याद रखनी है किसी गुड कंडक्टर के लिए। जब EM वेव आपकी गुड कंडक्टर में प्रोपोगेट होती है तो यहाँ पर एक टर्म और आपका आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्किन डेप्थ और डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। स्किन डेप्थ या डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन आपकी होती है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी गुड कंडक्टर में प्रोपोगेट होती है तो उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो 1/α टाइम डिके हो जाए उसकी इनिशियल वैल्यू से, उसको बोलते हैं स्किन डेप्थ। तो स्किन डेप्थ आपकी होती है 1/α, और अल्फा हमने अभी देखा है किसी गुड कंडक्टर के लिए आपका होता है स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा म्यू सिग्मा डिवाइड बाई 2। तो स्किन डेप्थ आपकी यहाँ से आ जाएगी 1/α है तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2/ओमेगा म्यू सिग्मा। इसको जब आप फर्दर और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं, स्किन डेप्थ हो जाएगी आपकी 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई ओमेगा म्यू, और ये आपका 1/सिग्मा आप यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। तो स्किन डेप्थ आपकी हो जाएगी, ये होता है आपका स्किन रेजिस्टेंस जिसको RS से डिनोट करते हैं। जो ये टर्म है वो होता है आपका स्किन रेजिस्टेंस। स्किन रेजिस्टेंस का बेसिकली फॉर्मूला होता है ओमेगा म्यू डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा, ओमेगा म्यू डिवाइड बाई 2 सिग्मा। तो यहाँ पर 2 सिग्मा डिवाइड बाई ओमेगा म्यू है तो ये हो जाएगा आपका 1/सिग्मा इंटू RS आप यहाँ पर लिख सकते हैं। RS है आपका स्किन रेजिस्टेंस। कई बार क्वेश्चन में सीधे सीधे स्किन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाता है तो इस फॉर्मूले में पुट करके आप स्किन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें आपको ये स्किन डेप्थ याद रखनी है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए जो अटेन्यूएशन कांस्टेंट है और फेज कांस्टेंट है वो आपको याद रखना है इसमें। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने डिफरेंट मीडियम में देखी है जब प्रोपोगेट होगी। यहाँ पर उसका हम एक कंक्लूजन देख लेते हैं। फेज वेलोसिटी आपकी क्या होगी डिफरेंट मीडियम के लिए? तो फेज वेलोसिटी जो कि आपकी VP से हम डिनोट करते हैं, तो VP आपकी थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जब आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एयर में प्रोपोगेट हो रही है। फिर जब किसी आइडियल डाइलेक्ट्रिक में आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट हो रही थी तो VP की वैल्यू थी 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई ε r। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म नहीं है तो यहाँ पर VP की वैल्यू ज़्यादा होगी जब एयर में प्रोपोगेट होगी। फिर उसके बाद किसी आइडियल डाइलेक्ट्रिक में यहाँ पर डिनोमिनेटर का टर्म आ गया तो ये वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है तो फेज वेलोसिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी अगर इसको एयर से कंपेयर करें तो। इसके बाद किसी जनरल मटेरियल की अगर हम बात करें तो आपकी फेज वेलोसिटी हो जाएगी 10⁴ से 10⁵ तक, जो कि यहाँ से एयर से या किसी आइडियल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से काफ़ी कम है। और अगर हम किसी गुड कंडक्टर की बात करें तो यहाँ पर फेज वेलोसिटी आपकी बहुत ही कम हो जाएगी क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी प्रोपोगेट नहीं होगी इजीली। तो ये डिसाइड कर रहा है आपका लॉस टेंजेंट फैक्टर जो कि σ/ओमेगा ε है। तो जो कंडक्टिविटी है वो हम जानते हैं कि एयर के लिए या आइडियल डाइलेक्ट्रिक के लिए 0 होती है तो ये टर्म आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा। जब ये टर्म आपका कम है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इजीली प्रोपोगेट हो रही है। और यहाँ पर जब कंडक्टर की या जनरल मटेरियल की बात करते हैं तो σ/ओमेगा ε की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा होती है। तो लॉस टेंजेंट फैक्टर की वैल्यू जब ज़्यादा होगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो इजीली प्रोपोगेट नहीं हो रही है मटेरियल में। तो इस टाइप से आप यहाँ पर कंक्लूजन देख सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको आप लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।